हाई एवरी वन दिस इज़ वोनिका आज हम फनजाई पे बात करेंगे ओके okay, अब जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको ईजिली समझ रहे होंगे बाकी के लिए आगे मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी कि वर्ल्ड में अंडरग्राउंड फंगल लाइफ जो है उसको पहली बार मैप किया जाएगा कि फंगल लाइफ है लाइफ की बात हो रही है तो आप समझ रहे हैं कि कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिजम है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो फनजाए मैं आपको बता दूँ जिस तरह से आप मशरूम्स लेते हैं तो ये सब आपकी फनजाए है अब इसको पहली बार मैप किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे अंडरग्राउंड फंजाए मिलती है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए बहुत बड़े नेटवर्क हैं अंडरग्राउंड फंजाए के ठीक है फंजाए को हम डिटेल में आगे आपको बताऊंगी क्या लेकिन फिलहाल आप समझ गए कि फंजाए यूजुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है जैसे आप मशरूम के केसेस में देखते हैं यूनिसेलुलर uh, भी हो सकती है लेकिन ये यू कैरियोटिक है ओके यूनि सेलुलर नहीं यहाँ पे बोलेंगे यू कैरियोटिक दो टर्म्स यूज करते हैं हम प्रो कैरियोटिक यू ऑर्गेनिजम्स प्रो कैरियोटिक्स में हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं यू कैरियोटिक में हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो फंजाई को सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ प्लैनेट कहा जाता है और इसको अब पहली बार मैप किया जाएगा क्यों मैप करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है कि हम यहाँ पे इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अब किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स को वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को हम देखते हैं कोई ना कोई थ्रेट है तो इस तरह से फन जाए अगर हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्लानिट बोल रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लान और अगर ये डैमेज हो गई हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा इन्वामेंट को नुकसान होगा अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि फनजाया आपका बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं इनमें ये एबिलिटी रहती है अब ये कार्बन सिंक है अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसका मतलब इट एक्ट एज कार्बन सिंक जस्ट लाइक अदर प्लांट्स एंड ओशंस राइट right? तो अगर ये डैमेज हो गए तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होगा और जो नया कार्बन डाइऑक्साइड है नया कार्बन है वो जितना ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं हमारे पास कोई और नहीं होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उससे कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस एमिशंस में हो जाएगी कार्बन के अमिशंस में और ये प्रिंट मीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड वास्ट नेटवर्क्स जो अंडरग्राउंड फन जाएके हैं उनको मैप किया जाएगा पहली बार अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स यूजुअली इसको लोग नोटिस नहीं करते लेकिन ये नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं और हेल्थ ऑफ प्लांट्स ट्रीज इकोसिस्टम एक वेब जैसे होता है ना एक जला टाइप ये सॉइल्स में बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए अलग अलग तरह के फास्फोरस हो गया नाइट्रोजन हो गया ये उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक पहुंचाते हैं तो फनजाई का अंडरग्राउंड फनजाई का स्पेशली क्या बेनिफिट है एक तो ये कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं नंबर वन नंबर टू ये कार्बन डाइऑक्साइड uh, जो सॉइल में है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं साथ में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं राइट फंगल नेटवर्क्स ये एक ट्वीट भी है आर वन ऑफ द बिगेस्ट अनटैप्ड लीवर्स इन क्लाइमेट साइंस की फंगल नेटवर्क्स भी क्लाइमेट साइंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज तक हम इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं लेकिन अब इनको थ्रेट है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लाइमेट एक्सट्रीम की वजह से तो इसलिए अब इसको मैप करने की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये भी था ट्वीट हाँ, भी था अब बार बार फनजाए की मैं बात कर रही हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया फनजाय तो फंगस इसको सिंगुलर में ज्यादा प्रेजेंट है ग्रुप में तो फंजाई बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में इसको फंगस बोलेंगे ये एक किंगडम है मल्टी सेलुलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का तो याद रखिए मल्टी सेलुलर है नॉट यूनीलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रॉफ्स है, हेट्रो हैं हेटरोट्रॉफ्स हम किनको बोलते हैं जो खुद का खाना जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते किसी और पे डिपेंड करते हैं जो खुद अपना खाना बना सकते हैं जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हैं हम उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं ऑटो मतलब खुद से बनाएंगे ना सेल्फ तो वो ऑटोट्रॉफ हो गए जो नहीं बना पाते खुद का खाना उनको हम हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं सो तो फनजाए खुद का खाना यानी फोटोसें खुद का खाना बनाना क्या होता है फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकती तो फनजाय को हम क्या बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ और इम्पॉर्टेंट रोल है इसका जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो दिस इज इंपॉर्टेंट आपको बेसिक फंजाई का पता होना चाहिए अब जो अलग अलग तरह की फंजाई है बहुत तरह फंज, फंजाई अब एक तरह की तो है नहीं दे मैनी टाइप्स ऑफ फंजाई सो दे कैन रिप्रोड्यूस बहुत सेक्शुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनके प्लांट और बैक्टीरिया के साथ भी हैं एसोसिएशन का मतलब क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स साथ में आते हैं ताकि ये बेनिफिट ए और बी है अगर ए कुछ बेनिफिट बी को देगा बी से कुछ बेनिफिट लेगा तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं इसको हम सिम्बायटिक एसोसिएशन बोलते हैं तो फनजराई आपको सिम्बायटिक एसोसिएशन में यानी अपनी अच्छी फ्रेंडशिप में प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों के साथ मिलेगी लेकिन ये तो बेनिफिट्स में आपको अभी तक इसकी बता रही हूँ लेकिन अब आपने फंगल डिजीजेस के बारे में भी सुना होगा कि इसका ये मतलब है अगर फनजाए बहुत अच्छी है हमारे लिए लाभदायक है तो कहीं ना कहीं Uh, कुछ नुकसान भी इससे हो सकता है कुछ बीमारियाँ प्लांट्स की में एनिमल्स में ह्यूमंस में फंगस की वजह से होती हैं तो जो फंजाए पे हम लोग पढ़ाई करते हैं इस ब्रांच को हम बोलते हैं माइकोलॉजी ओके okay, माइकोलॉजी बोला जाता है इसको अब फन जो फंगस है ये फंजाई जो है ये कार्बन को यूज़ करती है जितने अपने नेटवर्क्स फैलाने में सॉइल में इसमें कार्बन को ये यूज़ करती है और विच कनेक्ट टू प्लांट रूट्स एंड एक्टेज न्यूट्रिएंट हाईवेज़ तो न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं ना एक जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स मूव भी करें वो वो न्यूट्रेंट्स मूव कैसे करते हैं फनजाए के थ्रू ही उनके लिए हाईवेज़ का, का काम कर रहे हैं अगर समझिए जैसे हाईवे से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो न्यूट्रिय भी इस तरह से मूव करते हैं यानी एक्सचेंजिंग का जो आपका प्रोसेस चलता है कार्बन प्लांट रूट से न्यूट्रंट्स ले रहे हैं फॉर एक्ज़ाम्पल कुछ फनजाए एट्टी परसेंट फॉस्फोरस अपने होस्ट प्लांट को देती है जैसे मैंने बोला ये रिलेशनशिप में रहती हैं प्लांट्स के साथ तो 80% परसेंट फॉस्फोरस ये अपने जिस प्लांट के साथ सिम्बैटिक रिलेशनशिप में है अपने होस्ट प्लांट को प्रोवाइड करती हैं अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स जो है ये बहुत किलोमीटर्स तक फैले हो सकते हैं लेकिन हम इनको बहुत बार नोटिस नहीं करते और लेकिन इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स वर्ल्ड में हैं जिनको मैप करने की बात की गई है इससे सॉइल फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी सॉइल की मेंटेन रहती है उसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल फर्टिलिटी को मेनटेन करते हैं लेकिन आज तक हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते अब माइकोरजल फनजाए जो है उसके बहुत जगह हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे वो पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि अब उसका वो हैबिटेट खतरे में है किस वजह से थ्रेट्स क्या हैं एग्रीकल्चर की वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है पोल्यूशन हो रही है वाटर स्कैरसिटी है क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन फॉर अंडरग्राउंड नेटवर्क्स जिन्होंने ये मैपिंग की भी बात की है इन्होंने कहा कि टेन थाउजेंड सैम्पल्स हैं नेक्स्ट एटीन मंथ्स में वर्ल्ड से जो ये सैंपल्स लिए जाएंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाएगा इन बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स को समझने के लिए और फिर इनको मैप किया जाएगा यानी अलग अलग जगह से ये सैंपल्स उठाएंगे दुनिया में और फिर इनको टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा एक रोड मैप जो है ना उस तरीके का मैप बनाया जाएगा कि कौन से हॉटस्पॉट्स पे कौन सा वाला फंगस पाया जाता है राइट right. और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं नीदरलैंड्स कनाडा यूएस जर्मनी अलग अलग जगह से पहले जो कलेक्शंस हैं वो पटागोनिया से लिए जाएंगे फिर उसके मैप्स बनाए जाएंगे इन मैप्स को यूज करते करते इको को समझने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे फंगस को क्या थ्रेट्स हैं उनको समझा जाएगा जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके कंजर्वेशन में वो हेल्प करेंगे कंजर्वेशन कॉरिडोर बनाए जाएंगे अंडरग्राउंड सिस्टम्स के लिए तो एक पहला इस तरह का एफर्ट रहेगा अंडरग्राउंड इकोसिस्टम को समझने में और क्लाइमेट साइंस में फंगस का क्या रोल है इसको भी जानने में और बाकी तो कितनी जगह मैंने आपको इसका रोल बता दिया लेकिन उसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अब हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिल पाएगी देखिए जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल में छोड़ देते हैं या पानी में चले जाते हैं इससे भी ये भी ये थ्रेट्स की बात कर रही हूँ इससे भी आपका जो फंगस है आपके जो बाकी प्लांट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है फंगल नेटवर्क आपके खराब हो रहे हैं क्रॉप्स आपके खराब हो रहे हैं उसके बाद मैकेनिकल तरीके से जो हम खेतों में प्लो करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में उससे भी जो आपका फंगल नेटवर्क है वो खराब होता है तो बहुत सारी थ्रेट्स को यहाँ पर रिकोगनाइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट एविडेंस लेकर उस पर जो कंजर्वेशन मैकेनिज्म है जब हमें प्रॉब्लम और थ्रेट पता होगी तभी तो हम कंजर्व कर पाएंगे कोई चीज़ तो कंजर्वेशन की प्लानिंग की जाएगी तो अभी तक इन्होंने टेन हॉटस्पॉट्स जो है, वो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं कैनेडियन तुंद्रा मैक्सिकन प्लाट्यू हाई ऑल्टीट्यूड्स इन साउथ अमेरिका मोरक्को वेस्टर्न सहारा इसराइल डेजर्ट स्टेप कजाकिस्तान ग्रासलैंड हाई प्लेन्स ऑफ तिब्बत रशियन टाइगा अब देखिए ये टेन हॉट की हमने बात की ना अब इन्वायरमेंट uh, में या साइंस में कहीं पे भी आपको इनका मैप नहीं पूछा जाएगा अब आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है कि अभी आपके पास जो मैप की बुक्स हैं उसको खोलिए है और ये जो दस हॉटस्पॉट्स मैंने बताए हैं इनको मार्क कीजिए वहाँ पे कि कैनेडियन तुंदरा कौन से रीजन में है मैक्सिकन प्लाटियो कहाँ है तो आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी कि ओके ये टेन हॉट हैं जहाँ पर इन्होंने फंगस के लिए जिनको आइडेंटिफाई किया है अब इस प्रोजेक्ट को काफ़ी डोनेशन है जो बैक कर रही है काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें लगेगा क्योंकि कार्बन सिंक्स को वैसे भी हम अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं तो स्क्रीन शॉट आपके लिए मैंने डाला है फनजाए के फैक्ट्स को लेकर आज तक सब की सबसे ओल्डेस्ट फनजाए वन बिलियन ईयर ओल्ड है ह्यूमंस आर रिलेटेड टू फनजाए कैसे अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं फनजाए ना ही एक प्लांट है ना ही एक एनिमल है अलग अलग आपको इसके बारे में फैक्ट्स जो हैं वो जानने को मिलेंगे फनजाई विच डिराव फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर एज प्रिजेटर्स डिकॉम्पोजर्स म्यूचुअलिस्टिक्स या पैरासिटिक फन कमेंट में बताइए या फिर आप टेलीग्राम पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ आपको सही आंसर मिलेगा बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच